हाँ तो मेरे यारो, तो फाइनली आ चुके हैं एक और न्यू एनिमे के साथ जिसका नाम है द उसान न्यूबी एडवेंचरर। तो चलो यारो देखते हैं इस एनिमे में क्या है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे इस एनिमे सीरीज के मेन कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम रेक होता है, जो कि लड़ाई करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाता है, इस वे इसके सीनियर्स कह रहे होते तुमने पिछले 2 साल की ट्रेनिंग में काफ़ी इम्प्रूव किया है, लेकिन क्या किया जाए, तुम्हें मार दिया जाए क्या? लेकिन इससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, एक काम करो पहले जाकर ई रैंक का एग्ज़ाम दे के आओ। और ये सब इसके सीनियर्स होते हैं। इस पर ब्रिक ये सब देख के कहता है पता नहीं अब मेरा क्या होगा यार। जिस पे नेक्स्ट सीन में अब हम टाउन की तरफ देखते हैं और हमें बताया जाता है कि जिन्हें भी अपने सपनों को पूरा करना होता है उन्हें शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको एक एडवेंचरर बनना है फिर तो आपको बहुत पहले से शुरुआत कर देनी चाहिए। इस पर ब्रिक रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और जिस पर ये इसका कार्ड देख के कहती है ओके ब्रिक ये तो तुम हो। इस पर कहता है तो तुम यहाँ सेंट्रल में शिफ्ट हो गई हो। इस पर कहती है हाँ लेकिन तुम अचानक से गायब हो गए थे और 2 साल पहले तुमने जॉब क्यों छोड़ दी थी। हाँ इस पर एक कहता है वो असल में मैं एडवेंचरर बनना चाहता था। हालांकि इसकी एज 32 होती है और इस उम्र में कोई भी एडवेंचरर नहीं बनता। इस पर दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी एक ड्रंक आदमी आके कह रहा होता है हे क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। और इसके पास जाने लगता है। इस पर एक कहती है नहीं सर मैं भी बिजी हूँ। इस पर ब्रेक इस आदमी को पकड़ के कहता है यार तुमने तो कुछ ज़्यादा ही पी लिया भाई शांत हो जाओ। और उसके पेट पे धीरे से मारता है और वो बेहोश हो जाता है। तो सबको लगता है कि उसने ज़्यादा पी रखी है इसलिए वो बेहोश हो गया है। इस पर एक बोलता है देखा इसलिए मैं कहता हूँ कि लिमिट से ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। इस पर हम देखते हैं कि वो उसे उसका ई रैंक एग्ज़ाम कार्ड देती है लेकिन यहाँ पे इसका नंबर 4242 आया होता है। इसे देख के रिक कहता है ये तो बहुत अनलकी है यार। और अब जब ये बाहर निकलता है तो यहाँ पे इसकी दोस्त होती है जिसका नाम होता है रिनेट। और रिक इसके ब्रश की तरफ देख रहा होता है और ये कहती है मास्टर रिक। इस पर रिक कहता है हाँ हाँ सब चीज़ बढ़िया है और तुम्हारी ड्रेस काफ़ी अच्छी है वैसे। इस पर कहती है वो तो ठीक है लेकिन उसका मेरे ब्रश से क्या लेना देना आप वहाँ पे क्यों देख रहे हो। इस पर रिक कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट कह रही होती है ये फॉर्मर ई रैंक एडवेंचरर था लेकिन हालांकि इसके ऊपर कुछ केसेस थे जिसकी वजह से इसे निकाल दिया गया लेकिन एक ई रैंक एडवेंचरर को रिक ने कैसे बेहोश कर दिया। तब इसे याद आता है कि यहाँ रिक ने तो बस अपना हाथ रखा था इसके कवच के ऊपर और ये ड्रिंक की वजह से बेहोश नहीं हुआ है ये तो रिक की वजह से बेहोश हुआ था। इस पर अब नेक्स्ट सीन में रिक अपना एग्ज़ाम दे रहा होता है और सबको बहुत अजीब लग रहा होता है कि 32 एज का आदमी ये सब कर रहा है। तो अब जब यहाँ पे माना का एग्जामिनेशन हो रहा होता है जब रिक जाता है तो अपना माना को चेक कर रहा होता है जिस पे इसका माना आता है F- और ये सबसे लो रैंक होती है। और फिर वो ऐसे चला जाता है लेकिन उसके जाते ही वो माना की बॉल जो होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है। इस पे इन्हें एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस पे ट्रांसपेरेंट चीज़ के अंदर स्लाइम भरा पड़ा होता है और ये आपके पंच को एब्जॉर्ब करेगा। इस पे रिक को अपने मास्टर यानी अपने सीनियर्स की बात याद आती है कि इन स्लाइम के अंदर एक गोल्डन स्लाइम है जो कि सबसे ताकतवर होता है और ग्रीन सबसे लो वाला होता है। और रिक ने 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग की होती है फिर भी अभी प्रेजेंट में सोच रहा होता है क्या मैं इसे तोड़ पाऊंगा। और इसके मास्टर ने इसे गोल्डन वाले को तोड़ने की ट्रेनिंग दी थी और यहाँ पे तो बस ग्रीन वाला होता है। इसमें वह प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि एक प्रिंस की तरफ जो कि बस 11 साल का होता है और सबका मानना था कि इसका C+ रैंक है और ये सोच रहा होता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। और ये तो प्रिंस होता है इसका नेम फ्रेड होता है और अभी अपनी फायर पावर का यूज़ करता है लेकिन ये फुस हो जाता है। लेकिन 11 साल के हिसाब से ये काफ़ी सही था। और रिक इसे देख के कहता है मेरे मास्टर ने मुझे जो फायर की पावर दिखाई थी वो तो इससे बिल्कुल अलग थी। इस पर हम देखते एक सीन जिस पे इसके मास्टर ने भी सेम फायर बॉल से पूरा माउंटेन ही उड़ा दिया था। तब जिस पे रिक इसे देख के सोचता है शायद हो सकता है इस बच्चे ने अपनी पूरी ताकत ना दिखाई है। और अब रिक की बारी होती है तो एग्जामिनर उसे देख के कहता है कि देखो तुम अपने 30s में हो तो तुम चाहो तो वापस जा सकते हो और इस एज में कोई भी एडवेंचरर नहीं बनना चाहता। इस पर रिक कहता है नहीं मैं करूँगा और मन में कहता है मैंने बहुत ट्रेनिंग की है बस मैं इस एग्ज़ाम को पार कर लूँ। और इसके मास्टर का नाम होता है प्राज जोन और अब ये सोच रहा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ और एक ज़ोरदार पंच मारता है और एक ही पंच में ही पूरी स्लाइम टूट जाती है। और रिक को ये सब देख के अपने आप पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता। इस पे सब लोग चौंक जाते हैं और ये प्रिंस सोचता है तो मेरी पोजीशन आखिर ये ले गया। खैर कोई ना अब डिफेंस मैजिक का एग्ज़ाम होने वाला है और मेरा जादू तो डिफेंसिव टाइप ही है तो वहाँ पे मैं ज़रूर जीतूँगा। लेकिन यहाँ पे भी रिक ही सबसे ताकतवर होता है। इस पे एग्जामिनर कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे हो रुको अब मैं 5th लेवल के जादू का इस्तेमाल करता हूँ।
इस पर एक कहता है, लेकिन मैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों फर्स्ट लेवल का ही जादू यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी तुम फिफ्थ लेवल का जादू मुझ पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। इस पर एग्जामिनर को लगता है कि रिक अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहता है ठीक है तुम जैसा चाहो। इस पर रिक कहता है कि वैसे मुझे कुछ नहीं होने वाला भाई। इस पर अपने फिफ्थ लेवल का मैजिक यूज़ करता है और रिक यहाँ पर भी जीत जाता है और बहुत तेज़ धमाका होता है। और दूर से हमें दिखाया जाता है कि एक फर्स्ट रैंक नाइट जो ये सब देखता है और यहाँ पे आके कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। इस पे लेडी उन्हें सारी बातें बताती है कि किस तरह एक 32 एज के आदमी ने ये सब किया है और उसके बायो में रिसेप्शनिस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि उसने पहले रिसेप्शनिस्ट काम भी किया था लेकिन अब वो अचानक से एडवेंचरर बन गया है। तो अब यहाँ पे रिक बोल रहा होता है यार क्या मैं पास हो पाऊँगा। इस पे रेनेड कहती है चिंता मत करिए आप पास हो जाएंगे। इस पर रिक कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है कि मैं पास हो पाऊँगा या नहीं। और तब ये सब इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तब यहाँ पे प्रिंस आ जाता है और कहता है तुम लोनली पीजेंट कहीं के। इस पर रिक कहता है अबे क्या हुआ बच्चे तुम गुम गए हो गया, और इसके नाम का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि रिक को इसका नाम याद ही नहीं होता। इस पर प्रिंस गुस्से में कहता है तुम बूढ़ा हुआ आदमी तुम शॉप कर रहे थे ना, और हाँ तुम अपने 40s में हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तब तक इसकी बहन आ जाती है, इसका नाम एंजेलिका होता है, और ये कहती है तुम बूढ़ा हुआ आदमी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे भाई को परेशान कर रहे हो। इस पर प्रिंस अपनी बहन के पास जाके कहता है कि देखो ये अपने 40s में है और ये मुझे परेशान कर रहा है। जिस पर रिक ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो बस अभी 32 एज का है और वो अभी अपने 30s में है। और अभी लेडी एंजेलिका इसे चैलेंज करती है और अपना ग्लव उसके सामने फेंक देती है, जिस पर ये उसका ग्लव उठा के कहता है यार तुम लोग ना अपने ग्लव को गंदा कर देते हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है इसे धोने में कितना टाइम लगता है। जिस पर अब रिनेट उसे बता दी है कि मास्टर आपने ग्लव उठा लिया है तो इसका मतलब आपने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इस पर रिक कहता है अभी ग्लव उठाने का मतलब ये होता है क्या। इस पर ये कहती है हाँ सर। और अब जिसके बाद ये सब अरीना में आते हैं जहाँ पर यह तय होता है कि जो भी हारेगा वो जिंदगी भर के लिए नौकर बन के रहेगा दूसरे का। इस पर रिनेट कहती है कि चिंता मत करिए ऐसा कुछ नहीं होगा, और हालांकि ये सेकंड नाइट्स में आती है तो इसका मतलब वो लगभग बी रैंक के बराबर है, तो इसका मतलब वो रिक को आसानी से हरा सकती है। इस पर रिक कहता है ये क्या फिर तो मैं हार जाऊंगा यार। इस पर कहती है आप बस अपने मास्टर की ट्रेनिंग याद कीजिए। इस पर मास्टर की ट्रेनिंग याद करके तो ये सीधा उल्टी ही कर देता है हमारा भाई। जिस पर एंजेलिका कहती है तो क्या तुम तैयार हो, मैं यहाँ पे अपनी पावर इस्तेमाल करूँगी, और अब से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और इससे इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पर रिक चौंक जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। इस पर एंजेलिका कहती है चिंता मत करो तुम एफ रैंक हो ना और मैं बी रैंक, तो मैं अगली बार थोड़ा धीरे करूँगी। इस पर रिक सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है। फिर से वो बहुत तेज़ी से आती है, लेकिन रिक को तो दिख रहा होता है कि वो कितना धीरे आ रही है, और ये कहता है इतना स्लो, और इसके हमले से आराम से बच जाता है। इस पर एंजेलिका सोचती है ये क्या हुआ अभी, और लगता है ये गलती से बच गया होगा और फिर से बार बार हमला कर रही होती है। इस पर एक तो आराम से बच जाता है और सोच रहा होता है अबे इसको रॉयल नाइट्स में लिया किसने, हाँ या फिर शायद मैं ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो फिर अचानक से एंजेलिका हमला करती है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो रोल होते हुए आ रही होती है, और जिस पर रिक को लगता है ये तो कोई हमला है और वो उसे देख के डर जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे इसे डॉज कर लेता है और मन में कहता है ये तो बहुत पावरफुल है यार। इस पर एंजेलिका भी सोचती है शायद मैंने इसे डरा दिया। उसके बाद ये कहती है अब मैं अपना स्पेशल अटैक करने जा रही हूँ जो कि 3 गुना और तेज़ होगा, और इस अटैक का नाम होता है ब्लिंक स्टेप लोटा। इस पर भी हमला करती है, लेकिन रिक को इससे कुछ भी नहीं होता, और दूसरी बार हमला करते हुए फिर से इसका पैर फिसल जाता है। इस पर रिक सोचता है कि ये फिर से कोई चाल चल रही है, और ज़ोरदार पंच मारता है। इस पर दूर जाके गिरती है और डर जाती है। इस पर रिक कहता है तुम सच में कमाल की हो, और एंजेलिका कहती है आखिर तुम हो कौन ना। इस पर रिक कहता है मैं पहले एक गेल रिसेप्शनिस्ट था और अब मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। इस पर कहती है मैं हार मानती हूँ। इस पर एक चौक जाता है और कहता है अबे लेकिन क्यों यार, और जिस पर ये कहती है कि हाँ इस बार मैं तुम्हें जीतने दे रही हूँ, और बोलती है चलो फ्रेड अब हमें घर चलना चाहिए। इस पर एक कहता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि जो हारेगा वो जिंदगी भर दूसरे का नौकर बन के रहेगा। इस पर कहती है वो अच्छा मैंने ऐसा कहा था, और वहाँ से भाग जाती है। इस पर एक सोचता है आखिर ये भागी क्यों, ये तो इतनी ताकतवर थी। इस पर रेनेड कहती है अच्छा हाँ मुझे आपको कुछ बताना था मास्टर, हमारे सीनियर्स आने वाले यहाँ पे, वो देखेंगे कि आपने 2 साल में क्या सीखा। इस पर रिक कहता है क्या वो यहाँ आने वाले, क्या मुसीबत है यार। इस पर दूसरी तरफ हम इसके 3 सीनियर्स की तरफ देखते जो कि बहुत ज़्यादा कमाल के दिख रहे होते, और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो होप यार मेरे यारों तुम्हें इस एनिमे का पहला एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।